व्हाइट इंक एंटरटेनमेंट की जाने अनजाने श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज की कड़ी में हम बात कर रहे हैं बड़ी आंखों और सांवले सौंदर्य वाली अभिनेत्री स्मिता पाटिल की, जिन्हें फिल्मों में उनके अलग अलग शेड्स और विभिन्न किरदारों के लिए हमेशा याद किया जाता है। लफ्जों की जगह आंखों से अपनी बात कह जाना स्मिता पाटिल की खासियत रही। फिल्मों में सहज और गंभीर किरदार निभाने वाली अभिनेत्री स्मिता पाटिल ने समानांतर सिनेमा के साथ साथ व्यावसायिक सिनेमा में भी अपनी खास पहचान बनाई थी। अभिनय के अलावा उन्हें फोटोग्राफी का भी शौक था। स्मिता के फिल्मी करियर की शुरुआत अरुण खोपकर की डिप्लोमा फिल्म से हुई, लेकिन मुख्य धारा के सिनेमा में स्मिता पाटिल ने चरणदास चोर फिल्म से अपनी मौजूदगी दर्ज की। स्मिता पाटिल का जन्म 17 अक्टूबर 1956 को हुआ था। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद स्मिता पाटिल ने मराठी टेलीविजन में बतौर समाचार वाचिका काम किया था। इसी दौरान उनकी मुलाकात जाने माने फिल्म निर्माता निर्देशक श्याम बेनेगल से हुई। श्याम बेनेगल उन दिनों अपनी फिल्म चरणदास चोर बनाने की तैयारी में थे। श्याम बेनेगल को स्मिता पाटिल में एक उभरता हुआ सितारा नजर आया और उन्होंने अपनी फिल्म में स्मिता पाटिल को एक छोटी सी भूमिका निभाने का अवसर दिया। 1975 की फिल्म चरणदास चोर हालांकि बाल फिल्म थी, लेकिन इस फिल्म के जरिए उन्होंने बता दिया कि हिंदी फिल्मों में एक नया नाम स्मिता पाटिल के रूप में जुड़ चुका है। भारतीय सिनेमा जगत में चरणदास चोर को ऐतिहासिक फिल्म के तौर पर याद किया जाता है, क्योंकि इसी फिल्म के माध्यम से श्याम बेनेगल और स्मिता पाटिल के रूप में कलात्मक फिल्मों के दो दिग्गजों का आगमन हुआ था। साल 1975 में श्याम बेनेगल की एक और फिल्म निशांत में स्मिता पाटिल को काम करने का मौका मिला। दुग्ध क्रांति पर बनी फिल्म मंथन में स्मिता पाटिल के अभिनय को एक नई दिशा मिली। 1976 की इस फिल्म के निर्माण के लिए गुजरात के लगभग 5 लाख किसानों ने अपनी प्रतिदिन की मिलने वाली मजदूरी में से 2-2 रुपए फिल्म निर्माताओं को दिए, और बाद में जब ये फिल्म प्रदर्शित हुई तो सुपरहिट साबित हुई। 1977 में फिल्म भूमिका से स्मिता पाटिल सशक्त अभिनेत्री के रूप में सामने आईं। भूमिका में उन्होंने 30-40 के दशक में मराठी रंगमंच की अभिनेत्री हंसा वाडेकर की निजी जिंदगी को रुपहले पर्दे पर बखूबी साकार किया। इस फिल्म में औरत के जटिल मनोविज्ञान को उन्होंने जिस सहजता से बड़े पर्दे पर साकार किया, उसकी खूब तारीफ हुई। फिल्म भूमिका में दमदार अभिनय के लिए उन्हें पहली बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। स्मिता पाटिल ने 1980 में प्रदर्शित फिल्म चक्र में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली महिला के किरदार को रुपहले पर्दे पर जीवंत कर दिया। मराठी के प्रसिद्ध साहित्यकार जयवंत दलवी की कृति पर आधारित चक्र में अम्मा की भूमिका के लिए उन्हें दूसरी बार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अपनी अदाकारी का जौहर दिखाकर फिल्म इंडस्ट्री में अपना सिक्का जमाने में कामयाब रही स्मिता पाटिल के अभिनय का सफर जारी रहा। इस दौरान उन्होंने आक्रोश, गिद्ध, अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है और मिर्च मसाला जैसी फिल्मों में अपने अभिनय से सफलता के नए आयाम रचे। सागर सरहदी की तेरे शहर में फिल्म में उनका रोल उनकी इमेज से बिल्कुल विपरीत था। रविंद्र पीपट की फिल्म वारिस में उन्होंने निसंतान विधवा का किरदार बखूबी अदा किया था। 1981 में स्मिता पाटिल को महान फिल्मकार सत्यजीत रे के साथ भी काम करने का मौका मिला। मुंशी प्रेमचंद की कहानी पर आधारित टेलीफिल्म सदगति में उनके अभिनय को आज भी याद किया जाता है। 1982 में महेश भट्ट की फिल्म अर्थ में कविता सान्याल के किरदार में उनका एक अलग ही रूप दर्शकों के सामने आया, जिसके लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए उन्हें नामांकन भी मिला। इसी साल फिल्म बाजार में स्मिता पाटिल ने एक मुस्लिम लड़की नजमा का किरदार निभाया था, जो अपनी आंखों के सामने ही औरत को बिकते देखती है। इस फिल्म में भी उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकन मिला। 1983 में जब्बार पटेल की फिल्म सुबह में उन्होंने एक ऐसे अधिकारी की पत्नी का रोल अदा किया था जो पत्नी की गैर मौजूदगी में एक दूसरी औरत से रिश्ता कायम कर लेता है। 1983 में ही श्याम बेनेगल की फिल्म मंडी में अभिनय के लिए उन्हें एक बार फिर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकन मिला। इसी बीच 80 के दशक में स्मिता पाटिल ने व्यावसायिक सिनेमा की ओर भी अपना रुख कर लिया था।
इस दौरान उन्हें महानायक अमिताभ बच्चन के साथ 1982 में नमक हलाल और शक्ति जैसी फिल्मों में काम करने का मौका मिला। इन दोनों ही फिल्मों में उनकी ग्लैमरस भूमिकाएं थीं। इन फिल्मों की सफलता ने स्मिता पाटिल को व्यावसायिक सिनेमा में भी स्थापित कर दिया। 1982 में निर्देशक सीवी श्रीधर की फिल्म दिले नादान में स्मिता पाटिल पहली बार राजेश खन्ना के साथ नजर आई थी। इस फिल्म की सफलता के बाद इसी जोड़ी ने जे ओम प्रकाश की फिल्म आखिर क्यों में भी काम किया। ये फिल्म खूब सफल हुई। 1985 में आखिर क्यों की रिलीज के साथ राजेश खन्ना के साथ उनकी लोकप्रियता और उनकी जोड़ी चरम सीमा पर पहुंच गई। 1986 में अनोखा रिश्ता, अंगारे, अमृत और 1987 में प्रदर्शित फिल्म नजराना और आवाम स्मिता पाटिल और राजेश खन्ना की जोड़ी की हिट फिल्मों में शुमार की जाती हैं। 1985 में स्मिता पाटिल की फिल्म मिर्च मसाला प्रदर्शित हुई थी। सौराष्ट्र की आजादी के पूर्व की पृष्ठभूमि पर बनी इस फिल्म ने निर्देशक केतन मेहता को अंतरराष्ट्रीय ख्याति दिलाई। ये फिल्म सामंतवादी व्यवस्था के बीच तिस्ती औरत की संघर्ष की कहानी बयान करती है। ये फिल्म आज भी स्मिता पाटिल के सशक्त अभिनय के लिए याद की जाती है। 80 के दशक में स्मिता पाटिल ने व्यावसायिक सिनेमा के साथ साथ समानांतर सिनेमा में भी अपना सामंजस्य बनाए रखा और इसका एक बहुत ही सटीक उदाहरण है फिल्म अर्धसत्य, जो 1983 में आई थी। इन फिल्मों के अलावा भीगी पलकें, दर्द का रिश्ता, कसम पैदा करने वाले की गुलामी, डांस डांस जैसी उनकी व्यावसायिक फिल्में प्रदर्शित हुईं, जिनमें स्मिता पाटिल के अभिनय के विविध रूप दर्शकों को देखने को मिले। 1985 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। स्मिता पाटिल ने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे से स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। 1984 में उन्होंने मॉन्ट्रियल वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल के जूरी मेंबर के रूप में भी काम किया था। लगभग दो दशक तक अपने सशक्त अभिनय से दर्शकों के बीच पहचान बनाने वाली ये अभिनेत्री महज 31 साल की उम्र में 13 दिसंबर 1986 को इस दुनिया को अलविदा कह गई। अपने संवेदनशील किरदारों के लिए स्मिता पाटिल को हमेशा याद किया जाएगा। जाने अनजाने श्रृंखला आपको कैसी लग रही है हमें जरूर बताइए। और हाँ, अगर आपने अभी तक YouTube चैनल व्हाइट इंक एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स भी दें। धन्यवाद। देखते रहिए व्हाइट इंक एंटरटेनमेंट।